सुराणा में मासूम छात्र की मौत से जुड़ा हुआ यह प्रकरण, मंत्री ममता भूपेश पहुंची सर्किट हाउस। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कुछ देर में पहुंच रहे हैं सर्किट हाउस, तो मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं। कुछ देर में सुराणा के लिए रवाना होंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी। सुराणा में मासूम छात्र की मौत से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है क्योंकि इससे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे थे जब पानी की टंकी पर ये चार लोग चढ़े थे, और अब क्योंकि मंत्री पहुंची हैं, मंत्री ममता भूपेश सर्किट हाउस पहुंची हैं। मेरे रिश्तेदार है, मैं मेघवाल हूँ, मेघवाल मेरे रिश्तेदार है, मैं आया हूँ। इस मौके पर मैं आपको यही कहना चाहूँ कि 100% न्याय हुआ है, तो जो अपराधी है विधिवत जांच करा के, और एक मृत्यु जिसके हाथ से, उसको क्या दंड मिलना चाहिए, द्रुत गति से न्याय दिला के उसको सजा दिलाएंगे। और ये बच्चा, हम भी ऐसे ही गरीब घर से पढ़ते थे, चीफ मिनिस्टर बन गए, आज एमएलए बन गए, अंदर ये जीवित रहता तो ये कुछ भी बन सकता था। तो इसकी भरपाई तो सरकार या कोई भी नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता, गया ही, लेकिन परिवार को आर्थिक संबल मिले, इनको नौकरी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, दिलाएंगे। और जो ये डिस्टर्ब हुआ परिवार, इसके रिश्तेदार वगैरह, तो हम लोग प्रयास करेंगे यथासंभव अधि तक इनको आर्थिक मदद मिले। इसके अलावा इसके मृत्यु होने के पश्चात डेड बॉडी घर में पड़ी, लाठीचार्ज हो रहा है, पुलिस द्वारा बीच में रास्ते में रोका जा रहा है, प्रशासन द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है लाठीचार्ज का, इसकी जांच करा के जो दोषी है उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लाठीचार्ज संबंधी जो बातचीत कही है, आर्थिक सहायता जरूरी है, नौकरी जरूरी है, उन तमाम बातों को लेकर जिसे गोलमा देवी ने भी कहा, जो विधायक रूपराम धरने हैं उन्होंने भी ये कहा, पिछले 3-4 दिन से यही मांग उठ रही है कि अगर ये बच्चा जिंदा होता, अगर बड़ा होकर के कहीं ना कहीं किसी की जिम्मेदारी को संभालता, जिम्मेदारी संभालता या नहीं संभालता, मासूम की जिस तरीके से मौत हुई है, ऐसे में केवल जालौर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, समझा जा सकता है कि इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील है। 9 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है, और कहा जा रहा है कि आज इस तरीके से मांग उठी है, नौकरी वाली बात उठी है, और 50 लाख की आर्थिक सहायता सरकार को तय करना। 3 मंत्री कल और 3 मंत्री आज जिस तरीके से पहुंच करके, हो सकता है शाम तक कुछ ऐसा भी रास्ता निकले, क्योंकि किसी के भी बालक हो, बात इस बालक की नहीं है, जो है वो गलत हुआ है सब कुछ मानते हैं, सरकार ने भी इस बात को माना है कि, और जो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब देखने में बात होगी कि एक नज़ीर कैसे पेश की जा सकती है, तुरंत प्रभाव से जांच करके चालान पेश करके किस तरह से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, फर्स्ट न्यूज़, जालो। क्योंकि टीचर जो होता है वो बच्चों को सिखाता है, भविष्य के लिए तैयार करता है, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, और इस पर सरकार ने एक्शन भी ले लिया है। जहां एक तरफ गिरफ्तारी हो गई है, अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई है। वहीं अब मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, परिवार से वो मिल रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कुछ ही देर में सर्किट हाउस पहुंच सकते हैं, तो मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी पहुंच रहे हैं सर्किट हाउस, और कुछ ही देर में सुराणा के लिए रवाना होंगे, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना देंगे, क्योंकि बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रदेश के मुखिया चाहते हैं, और उन्होंने इसीलिए सभी मंत्रियों को कहा कि एक परिवार के लिए यह संदेश हो, परिवार को यह पता हो कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, और जो जिम्मेदार है, जो गुनहगार है, उसको सजा जरूर मिलेगी, और इसलिए गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे की कार्रवाई भी हो रही है। वहीं आर्थिक सहायता परिवार को दी गई है, परिवार से मिलने के लिए मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, और अब सुराणा में मंत्री ममता भूपेश भी फिलहाल सर्किट हाउस पहुंची हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कुछ ही देर में सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं, और हमारे साथ सहयोगी लूणाराम जुड़ गए हैं। लूणाराम, कहां पर आप मौजूद हैं, और अभी गोविंद सिंह डोटासरा सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं, भजन लाल जाटव, मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं, कितनी देर लगेगी, कोई जानकारी?
अभी मैं मौजूद हूँ सुराणा गांव में, पीड़ित परिवार के घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर गोलमा देवी आई हुई है, पूर्व मंत्री, उन्होंने मुलाकात की, परिवार के साथ में सांत्वना दिए। तो दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोडासरा, वो सर्किट हाउस पहुंच गए हैं, उनके साथ में मंत्री ममता भूपेश है, वो भी अभी सर्किट हाउस में मौजूद है। जालौर के जो प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, वो भी सर्किट हाउस में मौजूद है। कुछ ही देर में वो सुराणा गांव के लिए रवाना होंगे, पीड़ित परिवार के घर के लिए रवाना होंगे। अभी सर्किट हाउस में मौजूद है, सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ही देर में गोविंद सिंह डोडासरा सुराणा जो पीड़ित परिवार का घर है उसके लिए रवाना होंगे। मैं अभी घर पर मौजूद हूँ और ये घर की तस्वीरें हैं जहाँ पे जो गोलमा देवी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रही है। और पीड़ित परिवार से मुलाकात के साथ ही जो है वो सांत्वना दे रही है। और जिस तरीके से कहा जाए कि शुरू से ही एक इस पूरे मामले को लेकर सरकार गंभीर थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर थे, और उसी का ही कारण है कि लगातार जो मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लगातार मंत्री पहुंच रहे हैं। कल भी यहां पर मंत्री पहुंचे थे, टीकाराम जूली यहां पर पहुंचे थे, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के जो अध्यक्ष हैं पुखराज पारा सर वो यहाँ पर पहुँचे थे। उसके साथ ही जो आज है वो भी आज भी प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे, पूरे मामले की जानकारी लेने के साथ ही ढांढस बधाएंगे, सांत्वना देंगे। और सीधे तौर पर कहें कि मुख्यमंत्री का एक ही संदेश है कि ऐसे मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीर है और पीड़ित परिवार की हर संभव जितनी मदद हो सके वो सरकार करेगी। जी यहाँ से जो घर है आप, क्योंकि लुणाराम वहाँ पर मौजूद है, सर्किट हाउस कितनी दूर है, कितनी देर का ये रास्ता है और कितनी देर पहुँचने में मंत्री को लगेगी? जालौर सर्किट हाउस में अभी मौजूद है तमाम जो प्रदेश सरकार के जो मंत्री है वो वहाँ पर मौजूद है। उसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है गोविंद सिंह डोडासरा वो सर्किट हाउस में मौजूद है। तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में करीबन 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, करीबन एक घंटे के दरमियान वो यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर पहुँचने के साथ ही पीड़ित परिवार के घर पहुँचेंगे, पीड़ित परिवार के तमाम जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे और प्रदेश सरकार की ओर से भरोसा दिलाएंगे। जी लुणाराम, ये भी बात कही जा रही है कि अब क्योंकि आर्थिक सहायता दी गई है और ये सीएम ने कहा भी है कि और अगर आर्थिक सहायता की जरूरत होगी तो ज्यादा से ज्यादा दी जाएगी, तो क्या अभी जब मंत्री पहुंचेंगे तो किसी तरह की और कोई घोषणा हो सकती है? क्योंकि नौकरी की बात भी अब कही जा रही है, ये बात उठी है अभी 50 लाख की सहायता की बात उठी है, तो क्या इस पर चर्चा हो सकती है या कोई इस तरह की घोषणा परिवार के लिए कर सकते हैं? गोलमा देवी यहाँ पर पहुंची हुई है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, इन्होंने सांत्वना दी है और सांत्वना के साथ में परिजनों से मुलाकात भी करी है, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की बातचीत हुई, सांत्वना दी गई है, सांत्वना नहीं परिवारजनों से मुलाकात की है। अभी देखो वो को पता नहीं है, देखो अभी तो मैं बात कैसे अलवर के बारे में पता नहीं है, देखो मैं अभी परिजनों से मुलाकात की है, यहाँ पे परिजनों से मुलाकात की, इनकी तो मुझे पता है, इनकी तो आ गई हूँ मैं, बताओ देखो ये नहीं, इनको तो मिलाज मिलना चाहिए, देखो 50 लाख रुपया होना चाहिए, एक बच्चा को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, और सरकार नहीं देगी तो धरना दूंगी मैं, देखो मांग, और इसे दोषी को सजा होनी चाहिए और दोषी पकड़ के और बाप को भी तो ऐसी सजा देनी चाहिए, देखो। तो मांग की गई है, गोलमा देवी यहाँ पर पहुंची है। लुणाराम जरा उनसे ये पूछिए कि जब परिवार से बातचीत हुई क्या बातचीत उन्होंने की है? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सांत्वना दी है परिजनों को, परिजनों ने अपनी मांग रखी कि उन्हें जो मुआवजा है वो 50 लाख का मुआवजा है वो मिलना चाहिए था, तो 50 लाख के मुआवजे को लेकर मांग रखी है, सरकारी नौकरी को लेकर मांग रखी है, और उन्होंने कहा है कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो वो धरना भी देगी। तो सीधे तौर पर कहा जाए यहाँ पर पहुँची है, मुलाकात की है और अब जो मांगे हैं उसको लेकर बात रखी। तो दूसरी ओर कहें कि जो कांग्रेस सरकार के जो मंत्री है वो तमाम सर्किट हाउस में पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर में पर पहुंचेंगे और कुछ ही देर में पहुंचने के साथ ही परिजनों से मुलाकात करेंगे और सांत्वना देंगे। जी बिल्कुल, और क्योंकि गोलमा देवी यहां पर पहुंची, बीजेपी से कोई नेता यहां पर पहुंचा है और कोई नेता जो यहां पहुंचा हो कल या आज में? ब
बीजेपी की ओर से तमाम नेताओं ने ट्वीट भी किया था जिसमें वसुंधरा राजे है या जो तमाम जो बीजेपी के लीडर है उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बयान भी जारी किया था। हालांकि यहां पर अभी तक बीजेपी का कोई भी नेता नहीं पहुंचा है। दूसरी ओर प्रदेश सरकार के जो मंत्री है, कांग्रेस सरकार के जो मंत्री है, वो लगातार उनका पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल भी यहाँ पर मंत्री पहुँचे थे, टीकाराम जूली मंत्री पहुँचे थे, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के जो अध्यक्ष हैं पुखराज पारासर वो यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम मंत्री पहुँचे। उसके बाद में आज और प्रदेश सरकार के जो तीन मंत्री है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिसमें ममता भूपेश है, उसके साथ ही जो जालौर के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया वो भी सर्किट हाउस में पहुँच चुके हैं, वो भी कुछ ही देर में सर्किट हाउस से रवाना होकर यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके साथ ही भजनलाल जाटव और गोविंद राम मेघवाल वो भी जालौर से रवाना होकर यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो जालौर पहुँच चुके हैं, कुछ ही देर में वहाँ से रवाना होंगे और एक घंटे के दरमियान बाई रोड से यहाँ पर पहुँचेंगे। जी लुणाराम, क्योंकि आप परिवार जहां पर है, घर है, वहां पर मौजूद हैं, हो सके तो परिवारजनों से बात कर सके तो करें, और अभी परिवार में कौन कौन उनके मौजूद है? मैं अभी उनके घर पे मौजूद हूँ, उनके परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पे है, पूरे परिवार में दुख का जो माहौल है वो यहाँ पे है, वो तस्वीरें दिखाएंगे, उनके साथ ही बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, तमाम चीज़ों पे बात होगी कि उनकी किस तरीके से क्या क्या मांगे हैं। और क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम परिवार के सदस्य हैं वो शुरू से मांग भी कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर भी, उनके परिवार के कुछ सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है आपकी? समाज के वो मांग मारवाड़ को छोकरों सरकार सीधे तौर पर कहना है, गुलमा देवी जी से एक बार और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो मांगे आपने जो मांगे बताई कि 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी तमाम, अगर ये सरकार नहीं मानती तो आप धरना देंगे, तो किस तरीके से ये मांग सरकार के आगे रखेंगे आप? सरकार से तो मांगेंगे, सरकार को देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा सरकार को। देखो इन्हें 50 लाख रुपया एक नौकरी बेटा के लिए उदयपुर में दिया जाए, देना चाहिए। अब तो आ रहे भी तो फिर रास्ता में पुलिस ने आवा नहीं दिया, साहब ही आ रहे पर साहब आवा नहीं दिया, रास्ता में रोक लिए मैंने। देखो साहब तो और फोन किया था रात रू तो महुआ से लाए मोको, जब मैं आके पहुंची गरीब के लिए किसी के लिए, देखो ये घटना होती है तो हमारे ठोस पहुंचता है, हम ही सबकी सुनते हैं। देखो हम ये गरीब ये तो कोठा भर लेते हैं, भ्रष्टाचार मचा रखे हो इन्हें सबन ने। देखो ये आप अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ये बात रखेंगे इनकी जो मांगे हैं वो? मुख्यमंत्री से तो मैं मिल लूंगी, मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री का बांधना पे धरना दे दूं मैं तो आ गया। चलिए तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में जो मंत्री हैं वो सर्किट हाउस से निकलेंगे और घर पर पहुंचेंगे और उस वक्त की तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ये इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री का ये निर्देश कि प्रदेश के हर व्यक्ति को अगर किसी तरह की समस्या हो या नहीं हो उसको ये पता हो कि सरकार उसके साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया लुणाराम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। जालौर के सुराना से एक खबर है, छात्र की मौत से जुड़ा हुआ प्रकरण और पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे सर्किट हाउस, पीड़ित परिवार के लिए उनके घर के लिए रवाना हुए हैं। मंत्री ममता भूपेश, प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया भी वहां के लिए निकले हैं और अब से कुछ ही देर में सुराना पीड़ित परिवार के घर पहुंचेंगे। मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री गोविंद राम मेघवाल के भी कुछ देर में पहुंचने की जानकारी आ रही है। सुराना और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं ये दौरे अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक मनोबल बढ़ाता हुआ ये दौरा होता है, जब सरकार में बैठे मंत्री इस कठिन समय परिवार से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यह आश्वस्त उन्हें किया जाएगा कि उनके बेटे की मृत्यु दुखद है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में और जिस क्षति की पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता, जो बच्चा गया है उसके माता पिता के लिए इतना बड़ा दुख, लेकिन इनका पहुंचना वहां पर उनसे बातचीत करना और ये आश्वस्त करना कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा जरूर दी जाएगी, जो भी आरोप उसने किया है उसकी मुकम्मल सजा उसे मिलेगी, इसको लेकर के सरकार गंभीर है। जालौर पहुंच गए हैं पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री भी उनके साथ में है और अब जालौर से सुराना के लिए यानी कि पीड़ित परिवार के लिए वो वहां से निकल गए हैं, पीड़ित परिवार पहुंचेंगे। तो जालौर के सुराना में छात्र की मौत से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है, ममता भूपेश उनके साथ में है, अर्जुन सिंह बामनिया उनके साथ में और अब से कुछ देर के बाद सुराना पहुंचेंगे पीड़ित परिवार के घर। मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी अब से कुछ देर के बाद उनके घर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना ये सब भी देंगे। देखिए जरूरी इसलिए क्योंकि क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन संबल
उन परिवार के लोगों को बंधाया जा सकता है जिन्होंने अपने एक 9 साल के मासूम बच्चे को इस तरह से खो दिया। 23 दिन तक उस बच्चे का उपचार चलता रहा, लेकिन 23 दिन के बाद वो जिंदगी और मौत के बीच जो जंग जारी थी उसमें जिंदगी हार गई और मौत जीत गई। ये छोटा बच्चा जिसे पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, किस जाति का है, कौन है, कहां से आता है। लेकिन अब देखिए, इस पर कई बयान भी आ रहे हैं। जिस व्यक्ति, जिस निजी संचालक पर आरोप है, उसका कहना है कि उसने मारपीट की लेकिन वजह वो नहीं थी। लेकिन ये तथ्य, ये बयान किसी भी तरह से इस मारपीट को जस्टिफाई नहीं करता। उसने उस बच्चे की इस तरह से पिटाई की कि उस बच्चे की जिंदगी ही खत्म हो गई। अपने आप में कृत्य, और जो धारा लगाई गई है वो भी हत्या की ही धारा है। यानी कि इसमें कोई दोराहे नहीं है कि एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम, एक घटना को अंजाम आपकी जगह देने की कोशिश। लेकिन पीड़ित परिवार के घर के लिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीसी गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आज जालौर पहुंचे, और जालौर से अब सुराणा, जो कि इस बच्चे का घर है, वहां के लिए अब निकले हैं। उनके साथ मंत्री भी मौजूद हैं, ममता भूपेश उनके साथ में है, अर्जुन सिंह वामनिया उनके साथ में है। इसके अलावा मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी अब से कुछ देर में सुराणा पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे। देखिए, जालौर के सुराणा गांव में ये दर्दनाक वाकया यहां से सामने आया। एक बच्चा जिसकी पिटाई निजी स्कूल संचालक ने की, पुलिस का कहना भी और बयानों भी सामने आया है कि जो निजी स्कूल संचालक है उसने इस बच्चे की इस कदर निर्ममता से पिटाई की कि उस बच्चे की नस फट गई, जिसके चलते अत्यधिक रसराव आंतरिक तौर पर उसको हो गया। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा उस बच्चे के शरीर में हो गई कि बच्चा सर्वाइव भी नहीं कर पाया। 23 दिन तक जिंदगी और मौत से ये मासूम जूझता रहा, लेकिन अंततः उसने अपना दम तोड़ दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी अमानवीय यातनाएं उसे उस पिटाई के दौरान दी गई होगी। सरकार इसको लेकर गंभीर है, किसी भी स्थिति में इस प्रकार के किसी भी कृत्य की पुनरावृत्ति प्रदेश में ना हो, किसी भी जगह ना हो, उसको लेकर की कोशिश लगातार सभी को करनी चाहिए। प्रदेश की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, गंभीर है, क्योंकि जैसे ही मामला संज्ञान में आया लगातार टीम एक्टिव हो गई। पुलिस प्रशासन लगातार वहां घूमकर कोशिश कर रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी व्यवहार के बारे में जानकारी लगाया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से जो निजी स्कूल संचालक है उसे भी इंटरोगेशन पुलिस कर जारी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जल्द ही इसमें चार्जशीट पेश हो और मुकम्मल सजा इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसने ऐसा कृत्य किया। पीसीओ गोविंद सिंह डोटासरा सर्किट हाउस पहुंचे और तस्वीरें आपको दिखाई, उसके बाद में वहां से निकल के सुराणा पहुंची, और सुराणा के बाद भी मंत्री अब वहां से निकल करके इस पीड़ित परिवार के बच्चे से उसके घर पर मिलने के लिए पहुंचेंगे। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे, सहयोगी लूणाराम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूणाराम, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, सर्किट हाउस की तस्वीरें दिखाई और अब निकल गए हैं सुराणा के लिए, उनके साथ मंत्री भी मौजूद हैं, क्या जानकारी? कुछ ही देर बाद यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुँचने वाले हैं, उनके साथ में प्रदेश सरकार के 5 मंत्री भी पहुँच रहे हैं, जिनमें मंत्री ममता भूपेश भी है। उनके साथ तमाम जो मंत्री है, जालौर के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया वो भी उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ में तमाम जो बाकी मंत्री है प्रदेश सरकार के वो आ रहे हैं, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के जो अध्यक्ष है पुखराज पारासर वो भी साथ में हैं। तो वो जालौर से सर्किट हाउस से निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है, अब कुछ ही देर में उनके घर, पीड़ित परिवार के घर पहुंचने वाले। मैं अभी उनके घर ही मौजूद हूं और ये घर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये घर है जिनमें उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो तमाम मौजूद हैं। उनके साथ ही कुछ ही देर में वो पहुँचने वाले हैं, उनके बाद में उनसे पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के साथ ही जो पीड़ित परिवार की मांगे हैं वो भी मंत्रियों के सामने रखेंगे अपनी मांगे, जिसमें तमाम जो मांगे हैं वो रखी जाएगी, और उसके बाद में प्रदेश सरकार की ओर से सांत्वना दी जाएगी, मुलाकात करके पूरी जानकारी लेंगे। उसके साथ ही जो तमाम जो मंत्री पहुंच रहे हैं वो भरोसा दिलाएंगे कि प्रदेश सरकार उनके साथ में है, पूरी हर संभव जो मदद पीड़ित परिवार की की जा सकती है, बिल्कुल मदद की जा रही है, विश्वास की जरूरत इस परिवार को है भी। आपने क्या बात करने की कोशिश की थी लूणाराम उनसे? यकीनन एक दुखों का पहाड़ उन पर टूटा है, प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? दुखी होंगे, बहुत ज्यादा जिंदगी भर का दुख है, क्या बात रही उनसे अगर आपने बातचीत की तो उसके बारे में जानकारी? देखिए,
घर का एक जो चिराग था वो बुझ गया है, क्योंकि एक नन्ना मुन्ना मासूम बच्चा, उसका चला जाना अपने आप में एक दुख का पहाड़ है। परिवार के लिए एक दुख का माहौल है, सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम लोगों से, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन लगातार मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ये तमाम चीज़ें निकल कर आई है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने के यहाँ जब बड़ी संख्या में जो लोग जुटे थे उन्होंने मांग भी की थी, और गुलमा देवी अभी कुछ ही देर फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी बोली थी कि 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की जो मांग है वो मांग भी की गई है, तो पीड़ित परिवार वो मांग कर रहा है। कल भी प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री पहुंचे थे, जिसमें टीकाराम जूली पहुंचे थे, पुखराज पारासर पहुंचे थे, उन्होंने सांत्वना दी थी और कहा था कि प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी। उसके बाद आज और जो प्रदेश सरकार के मंत्री है जिनमें सबसे आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से अब मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला एक शुरू हुआ है, एक तरीके से विश्वास की जरूरत, जिस विश्वास की जरूरत इस समय परिवार को है, क्योंकि दुखों का पहाड़ उन पर टूटा है, वो विश्वास देने के लिए और प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, क्या जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए, निश्चित रूप से किसी के घर का जब चिराग चला जाए और इस तरह की जब घटना सामने आती है तो सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, जनप्रतिनिधि का सक्रिय होना, साथ खड़े होना एक स्वाभाविक सी बात है। देखिए कि सहयोगी भवन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पूरे परिवार में जिस तरीके से मातम पसरावा है, परेशानी है इस बात की कि एक घर का चिराग चला गया। और देखिए, अगर इस पूरे मामलों को लेकर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो गंभीरता सामने आई है, शुरू में 5 लाख रुपये 4 लाख दिए जा चुके हैं, अब जिस तरह की डिमांड्स आ रही हैं उस पर अभी थोड़ी देर बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुँचेंगे, साथ में 4-5 मंत्री भी पहुँच रहे हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास भी पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के तत्परता दिखाई गई, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, आरोपी सलाखों के पीछे है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर लबलबा बात करें तो एक थप्पड़, जिस तरीके कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र कर रहे बात होता है, तो कई तरह की जो बातें उठ रही है, पुलिस कमिश्नर जो पुलिस रेंज आईजी हैं पी राम जी और यहाँ के जो संभागीय आयुक्त केसी मीना जहाँ नजर रखे हुए, कलेक्टर निशांत जैन से भी बातचीत हुई भरी हुई है, एसपी हर्षद अग्रवाल से भी बातचीत हुई है, निष्पक्ष जांच का उन्होंने भरोसा दिला, एक एक पहलू पर बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ जो है इस मामले की जाँच हो। कुछ देर बाद में ये भी माना जा रहा है कि यहाँ जब गोविंद सिंह डोटासरा आएंगे तो यहाँ जो रूपाराम धरणे हैं, जैसलमेर के विधायक हैं, चूँकि उनकी रिश्तेदारी भी हैं तो वो भी यहाँ पर आए हैं और तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप कि रूपाराम धरणे जो हैं परिवार के साथ यहाँ लगातार उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ खड़े हैं और साथ में उनकी पुत्री भी यहाँ पहुँची, प्रेम धरणे भी यहाँ पर पहुँची हैं। और ऐसे में देखिए कि दुख की घड़ी है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो इनकी मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी जाएगी। वैसे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पल पल फीडबैक ले रहे हैं, कल रात को भी, आज भी लगातार फ़ोन पर भी बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन से भी फीडबैक ले रहे हैं। माना जा सकता है कि आज नेताओं के दौरे के बाद में शायद एक दो कोई जो भी महत्वपूर्ण जो मांग है उस पर भी जो है मंथन किया जा सकता है। जी बिल्कुल राजू, और राजीव देखिए जरूरत भी है और आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।